नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, assertion, since independence, the economic condition of many farmers across India has improved as they have adopted horticulture as a secondary source of income. This statement is true. Economic condition farmers की improve हो गई है क्योंकि उन्होंने horticulture adopt किया है. अंश डाल ले बेटे. Horticulture पता है आपको, art of growing fruits, vegetables, flowers, ठीक है. So reason इसका बताया है कि जो वेरिंग क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस है, दे हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. तो ठीक है, उसका जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारी सॉइल कंडीशंस फार्मर को अलाउ करती हैं कि वो अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर सके. उसने कर ली, जिस करके उसकी इनकम बढ़ गई है. सो ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगेन assertion एंड रीजनिंग बेटे मैक्रो पे बेस्ड है. डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस. ठीक है, करंट अकाउंट जब आप खोलते हो तो सारी ट्रांजेक्शंस डिमांड डिपॉजिट के थ्रू करते हो ना, चाहे वो हाई अमाउंट की क्यों ना हो. ठीक है, रीजन, डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विदड्रॉएबल इन नेचर. यहीं पे गलत है, यहीं से पता चल जाना चाहिए. डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? विच कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड. वो रीजन क्या कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विदड्रॉएबल एंड कैनॉट बी विदड्रॉन अगेंस्ट द इशू ऑफ चेक्स. तो अगर नॉट ना आता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी. ठीक है, बट हेयर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो राइट ऑप्शन इज सी. Moving ahead to 42nd question. Beta, you are given one figure. Char circles draw karke diye hue hain aapko. Do circles mein A aur B blank hai. A aur B missing hai. Wo aapko fill in karna hai. To sabse pehle hai low production. Low production leads to A. A leads to low. Low. इसने ये कंप्लीट दिख नहीं ना रहा सैंपल पेपर में. सो इट शुड बी लो, इट कुड बी सेविंग्स, लो सेविंग्स होगा. ठीक है, विच लीड्स टू लो डैश. तो बेटे ये विशिया सर्कल है, हम सबको पता है प्रोडक्शन कम होती है तो इनकम कम होती है, इनकम कम होती है तो सेविंग्स कम होती है, सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. ए ऑप्शन, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब इसके साथ एक विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स का दिया होता है. ठीक है, तो गलती से ये नहीं कर बैठना क्योंकि फिर ये करेक्ट नहीं माना जाएगा आपका. नेक्स्ट, मिस्टर रमनप्रीत हैज स्टार्टेड. अच्छा, ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का है, रहने दो. नेक्स्ट भी बीओटी है, अगला पॉवर्टी का है, फिर बीओपी का है. ओके, नेक्स्ट 47th क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ए, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. ये करेक्ट है वैसे तो, पर आगे भी देखते हैं. Effective trade policies of commodity production pursued by colonial government favorably affected. No, colonial government ने कुछ भी हमारे फेवर में नहीं किया. Then liberal policies of commodity production, trade and tariff, ये भी गलत है. Liberal policies उन्होंने adopt की नहीं थी. Then D है, restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by colonial government favorably affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Wrong. So right option was A, कि जो colonial government ने restrictive practices adopt की थी उससे हमारा foreign trade का structure, composition, volume adversely affect हुआ था. Clear? ठीक है बच्चे. Next situation, दो columns है आपको match करना है. ये भी आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का है, तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू डू.
ओके लेट्स कम टू द सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में भी बेटे कुछ गड़बड़ है, इसमें आपको उन्होंने डेटा दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है, जिसमें 2019-20 की एक्चुअल फिगर्स दी है और 2020-21 के एस्टिमेटेड फिगर्स दी है, लेकिन आपके सैंपल पेपर में नहीं शो हो रहा ना, ये नहीं शो हो रहा, तो इसका मतलब ये एक इसमें सैंपल पेपर की गलती है, सीबीएसई की गलती है, लेकिन फिर भी हम मैं बता देती हूँ कि हमने इसको, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है। आप कोई भी हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आने का, एक बार ही डाल दिया ना उसने न्यूमेरिकल तो आएगा, पक्का आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 49, वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन हैज डैश करोर बिटवीन 2019-20 एंड 2020-21। तो 2021 का डेटा है नहीं है, लेकिन अगर डेटा होता तो रिकवरी ऑफ लोन जो कि 19-20 में 18,316 है, ठीक है, लेट अस सपोज 20-21 में होती है 20,000, तो दोनों का डिफरेंस आ जाता और उसको आप 18,316 से डिवाइड कर देते इनटू 100 कर देते। समझ में आया? ओके, जस्ट इमेजिन दैट एक्चुअल एस्टिमेट ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, देखो अपनी बुक में कितना है, 18,316। लेट अस सपोज जो बजटरी एस्टिमेट है 21-22 का, 20-21 का, वो ये है। सपोज करो मिसिंग है ये आपके सैंपल पेपर में, मैंने खुद से एक फिगर बना ली, ठीक है। अब रिकवरी ऑफ लोन वो कहता है, इसमें क्या चेंज आया है, बड़ा है ये, कितना बड़ा है, इन दोनों को माइनस कर लो, 3349। तो चार ऑप्शंस है आपको, ए फॉलन बाय 3349, बी राइजन बाय 3349, सी फॉलन बाय 3439, डी राइजन बाय 3439। तो अगर ये है तो इट हैज राइजन बाय 3349, मैंने इसको ऐड करके ही बनाया था ये, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3349, और ये बड़ा है, गॉट इट। नेक्स्ट बेटे, द परसेंटेज चेंज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू बिटवीन 1920 एंड 2021, टेकिंग 1920 एट बेस वुड बी कितने परसेंटेज। अगेन बेटे डेटा नहीं गिवन है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उन्होंने बताया हुआ है, नॉन टैक्स रेवेन्यू एक साल की फिगर आपको दी हुई है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इट इज 327,157। सो लेट अस सपोज जो हमारा बजटरी एस्टिमेट है, ठीक है, परसेंटेज चेंज, लेट अस से इट इज 3,40,000, सपोज कर लो 3,40,000, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 3,40,000 माइनस 3,27,527, इसको डिवाइड किससे करेंगे, 19-20 वाले से, 3,27,157 इंटू 100, दिस वुड गिव यू योर आंसर, ठीक है बच्चे। ओके, नेक्स्ट द परसेंटेज चेंज इन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ए वेल्थ टैक्स, बी स्पेशल असेसमेंट, सी इनकम टैक्स, डी कॉर्पोरेट टैक्स।
स्पेशल असेसमेंट, बाकी सब टैक्स है, सिंपल क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट. ए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, यही है तो ए इज द राइट आंसर. 53rd क्वेश्चन, यू आर गिवन टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट वन, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स आर इंक्रीजिंग बट बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर रिड्यूसिंग. वो कह रहा है कि जो रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स जो है वो बढ़ रही है लेकिन बोरोइंग और बाकी लाइबिलिटी कम हो रही है. तो ये भी बेटे जब तक आपके पास कंपैरिजन के लिए डेटा नहीं गिवन, मैं इसको अब नहीं बता सकती ये ट्रू है कि फॉल्स है. स्टेटमेंट टू, ग्रांट्स एंड एड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स डिक्रीज फ्रॉम 2019 to 2021. तो वो डेटा को कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है. द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट फॉर द ईयर 2021 वुड बी डैश करो. तो जब फिगर ही नहीं गिवन है मेरे पास तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी. जब फिगर होगी ऐसे करते 1920 का निकाल लो, 1920 में प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा, क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बोरोइंग्स. सो बोरोइंग्स आर गिवन टू यू विच आर 9,33,651 करोड़. इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट यहां पर आपको नहीं गिवन है. सो अगेन हाउ वुड वी कैलकुलेट इट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट्स, टोटल रिसीट्स गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है. तो ओके, ऑन रेवेन्यू अकाउंट टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन बट यू आर नॉट गिवन इंटरेस्ट पेमेंट्स. सो सारा का सारा रेवेन्यू खर्चा इंटरेस्ट नहीं होता. सो अगेन दिस फिगर इज नॉट गिवन. ठीक है बच्चे, तो इसमें थोड़ा सा हम वैसे मैं कोई एक अलग सा क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके डिस्कस कर लूंगी फिर जब हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को. नेक्स्ट बेटे लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड है तो अगेन इसके बेस 6 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इंडियाज पोस्ट 1990 इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इंटेल्ड 3 इंपॉर्टेंट ब्रेक्स विद द पास्ट. कहता है कि जो इंडिया ने 1990 के बाद इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एडॉप्ट की थी उसमें पास्ट से लेके 3 ब्रेक थी. ब्रेक मींस 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस. 1, टू डिसमेंटल द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल्स एंड परमिट्स दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम. हमने क्या किया, जो एक कंट्रोल्स और परमिट्स हमारे सिस्टम के ऊपर प्रिवेल कर रहे थे उनको हमने डिसमेंटल कर दिया. ठीक है, लिबरलाइजेशन लाए ना हम. कैसे लाए, हमने जो कंट्रोल्स थी रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम यू नो चेन्स में था उन चेन्स को ब्रेक कर दिया. देन टू रीडिफाइन द रोल ऑफ स्टेट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एंड एज अ न्यूट्रल रेगुलेटर rather than the primary provider of goods and services. 90 से पहले जो पब्लिक सेक्टर था, स्टेट बोला ना यहाँ पे, स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का मेन रोल था दैट इट वॉज द प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. ठीक है बेटे, ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट प्राइमरी प्रोवाइडर थी आपको बिजली पानी रेलवे सड़कें ये सब कौन प्रोवाइड करता था, टेलीफोन, स्टेट गवर्नमेंट, विच मींस गवर्नमेंट वाज़ द प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन अब हमने क्या किया, गवर्नमेंट का रोल रीडिफाइन कर दिया. इट इज नो मोर अ रेगुलेटर, इट इज द फैसिलिटेटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. प्राइवेट सेक्टर भी अब आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो
पब्लिक सेक्टर आपको रेगुलेट नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करता है, काम आसान करता है उसका, ठीक है। थर्ड, टू मूव अवे फ्रॉम द रेजिम ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड टू इंटीग्रेट फुली विद द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। 1956 की पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड थी। हमने यू नो वेहमेंटली इम्पोज किया इंपोर्ट को, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमारा नारा क्या था, इंपोर्ट नहीं करना, सब कुछ घर में ही बनाना है। 91 के बाद ये चेंज हो गया, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की रेजीम को हमने छोड़ दिया, नारे लगाने बंद कर दिए, नो इंपोर्ट कहना बंद कर दिया, रादर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के साथ हमने फुली इंटीग्रेट किया। हमने ये समझा कि भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमसे भी कोई इंपोर्ट नहीं करे, तो इसीलिए ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के साथ हम इंटीग्रेट हो गए, ठीक है। आगे पढ़ो। 1991 रिफॉर्म्स अनलीश्ड द एनर्जीज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड गेव अनटोल्ड चॉइस टू द कंज्यूमर्स एंड चेंज्ड द फेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 91 के जो रिफॉर्म्स हुए उसके करके जितने भी एंटरप्रेन्योर्स में एनर्जी थी वो अनलीश हो गई। आप में से कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनमें एनर्जी है, बास्केटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, हम आपको यहीं पे बिठा के बैठे नहीं जाना ही नहीं, नहीं जाना ही नहीं, जब हम आपको फ्री कर देंगे जाओ बेटे जौन सा स्पोर्ट्स खेलना खेलो, तो आपकी एनर्जी निकलेगी या नहीं, योर एनर्जी विल बी अनलीश्ड। यही हुआ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ, और इसका कंज्यूमर्स को क्या फायदा हुआ, चॉइस, नाउ यू आर हैविंग वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे इंडियन इकोनॉमी का रंग रूप बदल गया। द रिफॉर्म एजेंडा कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैराडाइम शिफ्ट। ये जो रिफॉर्म एजेंडा हमारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, इससे पैराडाइम शिफ्ट यानी एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज आया। लिबरलाइजेशन वॉज अडॉप्टेड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट सिंस 1991 हैव ब्रॉडली स्टक टू दैट पाथ। लिबरलाइजेशन को एक गाइडिंग प्रिंसिपल गवर्नेंस का माना गया और उसके बाद से सारी गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने इसको फॉलो किया है, लिबरलाइजेशन के रास्ते पर ही चल रही हैं। टुडे वी डोंट नीड अ पैराडाइम शिफ्ट। आज हमें एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत नहीं है। वी नीड टू लुक एट द इंडिविजुअल सेक्टर्स एंड सी विच वन ऑफ दीज नीड्स रिफॉर्म्स टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। आज हमें इंडिविजुअल सेक्टर्स पे देखने की जरूरत है, हमें ये देखने की जरूरत है कौन से सेक्टर को रिफॉर्म्स की जरूरत है, कौन से सेक्टर को कंपटीशन की जरूरत है ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। द पावर सेक्टर, द फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड इवन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नीड रिफॉर्म्स। ये कुछ सेक्टर्स के नाम दिए उसने जिसमें उसने कहा रिफॉर्म्स की जरूरत है। टूडेज रिफॉर्म्स रिक्वायर मच मोर डिस्कशन एंड कंसेंस बिल्डिंग। आज कहता जो हम रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे ना, उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है और कंसेंस बिल्डिंग। कंसेंस बिल्डिंग मीन्स आपस में सहमति की जरूरत है। ये ना हो कि हमने एक लॉ पास कर दिया और लेफ्ट पार्टी प्रोटेस्ट पे उतर आई, जैसे हो रहा है फार्म बिल्स में, ठीक है। सो वी नीड कंसेंसस बिल्डिंग, सहमति की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क इन टेंडम विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके चलने की जरूरत है। एंड कंसल्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इम्पैक्टेड बाय रिफॉर्म डिसीजंस। और जितने भी स्टेक होल्डर्स इन डिसीजन से अफेक्ट होंगे उनको कंसल्ट करने की जरूरत है। देखो फार्मर्स, देयर आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ फार्म बिल्स बट दे वर नॉट एट ऑल कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट। सो सी व्हाट इज हैपनिंग टुडे। So timing and sequencing are critically important in the new reforms agenda. किस time पे कौन सा reform introduce आना है, ये बहुत ज्यादा important है, ठीक है बच्चे। Questions देखें। According to the given text, dash was adopted as the guiding principle of governance liberalization. Then statement, 1991 was a landmark movement in India's independence history. As that changed the nature of economy in fundamental ways. True hai? Statement 2. India's economic establishment
launched a multi-pronged reforms agenda to repair India's macroeconomic balance sheet and ignite growth. This is also true. So both these statements are true. Next, assertion and reasoning. Assertion: India's pre-1990 economic strategy dismantles the vast network of controls and permits that dominated the economic system. ये उसने वहीं से statement उठा ली है. कारण क्या दिया है? 91 reforms unleashed the energies of India's entrepreneurs, gave untold choice to the consumers, and changed the face of the Indian economy. जो इंडिया ने 1990 में कंट्रोल्स डिसमेंटल किए थे, ठीक है, जो कि पूरी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहे थे, उसका कारण ये बना कि 91 के रिफॉर्म्स ने उनकी एनर्जीज को अनलीश कर दिया. ये इसका कारण नहीं है बेटे. स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है. क्लियर? बी इज द राइट ऑप्शन देन. 58th question. In the light of given text and common knowledge, identify the incorrect statement. A severe BOP problem triggered an acute crisis in 1991. ये true है. 1991 में BOP crisis आए थे. Second, in 1991, economic and political leadership launched a multi-pronged reform agenda to repair the macroeconomic situation of the nation. ये भी true है. C, in 1991 situation, the state was given the role of primary regulator of the economy. Is it true? State, government, नहीं, government से तो वो काम, वो रोल छीन लिया था. उसको ये रोल नहीं दिया गया था. किसको दिया गया था? प्राइवेट सेक्टर को. सो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देन 59th क्वेश्चन. टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा. ट्रू है. स्टेटमेंट टू. पोस्ट पेंडेमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया रिक्वायर अ पैराडाइम शिफ्ट. नहीं. ऊपर उसने दिया हुआ, देखो केस स्टडी देखो. टूडे वी डोंट नीड अ पैराडाइम शिफ्ट. तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स. ओके, That's it. 60th question. 1991 reforms released the vitalities of Indian businessmen. बिल्कुल ठीक है. क्या इसका कारण ये था? The reform agenda established a paradigm shift and defined the broad outlines of economic policy making for years to come. This could be the reason. ठीक है.